स्टूडेंट, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो हमारे पास है -√16 प्लस 3 टाइम्स -√25 प्लस √-36 -√-625। तो सबसे पहले जो है तो हम इसको -16 इंटू 1 कर देंगे, इसको प्लस करेंगे, -1 इसको दे देंगे, प्लस 3 25 इंटू -1 प्लस √36 -1, ये माइनस होना चाहिए वाला, माइनस मल्टीप्लाई 625 इंटू -1। अब जो है तो हम √16 इंटू -1 को अलग कर देंगे, क्योंकि वो रूट में है, रूट में होने की वजह से उसको हमने साइड में कर दिए। -1 36 इंटू √-1 625 इंटू √-1। और हमको मालूम है जो है तो √-1 किसकी वैल्यू, आयोटा की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे जो है तो लिख देंगे 61 आयोटा प्लस 3 टाइम 25 आयोटा 36 आयोटा माइनस 625 आयोटा। तो ये आयोटा कहाँ से आया, तो हम रीज़न देंगे आयोटा इक्वल टू -√1। ये -√1 जो तो आयोटा की वैल्यू है। अब हम देखेंगे 16 किसका, जब 16 रूट से बाहर आएगा तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 16 का रूट निकलेगा 4, उसके साथ आयोटा 3 टाइम 5 आयोटा प्लस 6 टाइम आयोटा 36 का रूट 6, 625 किसका है, 25 का, 25 आयोटा। अब हम जब ऐड करेंगे 4 आयोटा 3 फाइव 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 25 आयोटा, तो 4 15 19 19 और 6 25 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा, तो 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा 0। तो इसका सॉल्यूशन आया है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th, सेकंड क्वेश्चन है 4 -√4 प्लस 5 √-9 -3 √-16। तो जो है तो हमें 4 रूट इंटू -1 अलग कर देंगे, 4 इंटू -1 -4 5 9 इंटू -1 3 16 इंटू -1। अब जो है तो हम -1 को साइड में कर देंगे, इसके साथ रखेंगे रूट में, जो है तो रूट इसको -1 मल्टीप्लाई दोनों के बीच 5 √9 इंटू √-1 में माइनस मल्टीप्लाई का साइन देंगे 16 इंटू √-1। ना हमको मालूम है √-1 की वैल्यू क्या है, आयोटा है, आयोटा 5 √9 इंटू आयोटा -√16 इंटू आयोटा। तो आयोटा क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे रीज़न देंगे आयोटा इक्वल टू √-1। तो जहाँ जहाँ √-1 तो उसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, आयोटा ले लिया। अब क्या होगा, 4 किसका रूट है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, तो 4 का रूट क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 4, जब रूट के बाहर 4 आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 आयोटा प्लस 5 इंटू 3, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, नौ 4 टू ज़ा 8 आयोटा, 5 थ्री ज़ा 15 आयोटा, 3 फोर ज़ा 12 आयोटा, 15 और 8 23 आयोटा, देन -12 आयोटा, 23 -12 11 आयोटा। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट मतलब अगर कोई आयोटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करना है, अगर कोई निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है। अब कोई भी वैल्यू का जो साइन होता है उसके लेफ्ट साइड में होता है, तो आयोटा का साइन उसके लेफ्ट में रहेगा, आयोटा का साइन यहाँ लेफ्ट में प्लस है। तो हमको जो तो लिखना है इसको, पॉजिटिव को निगेटिव करना लिखेंगे, इट इज कॉन्जुगेट इज
थ्री माइनस आयोटा, बस इतना लिखना, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड है थ्री माइनस आयोटा, ये माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, इट इज कॉन्जुगेट इज थ्री प्लस आयोटा। अब देखिए यहाँ पे जो है तो इसको लिखेंगे हम, ये निगेटिव है, आयोटा इधर है, निगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, इट इज कॉन्जुगेट इज माइनस रूट प्लस रूट सेवन आयोटा। नेक्स्ट है माइनस रूट माइनस फाइव, यहाँ पे जो है तो आयोटा नहीं है तो इसको क्या करना है, तो पहले हम करेंगे रूट फाइव इंटू रूट माइनस वन। अब ये रूट माइनस फाइव, रूट माइनस वन और रूट में फाइव जो है तो इसका मतलब ये होता, कैसे माइनस फाइव इंटू वन, तो हमने क्या करिए माइनस वन इसको दे दी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको सेपरेट कर दी, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो है तो ये जो है तो माइनस वन जो है किसकी वैल्यू है, आयोटा की है, तो रूट फाइव इंटू आयोटा। अब ये आयोटा के साथ अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में फाइव आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट जो है तो रूट फाइव आयोटा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ में जो तो आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस फाइव आयोटा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं, लेफ्ट में कोई साइन नहीं मतलब वो पॉजिटिव रहता। नेक्स्ट है रूट माइनस रूट फाइव माइनस आयोटा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे रूट फाइव पॉजिटिव आयोटा। नेक्स्ट ये आयोटा इसके लेफ्ट में प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, टू सॉरी पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगा, टू रूट थ्री आयोटा। अब यहाँ पे जो है तो ये आयोटा, यहाँ पे आयोटा किस किसके साइन प्लस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉन्जुगेट इज कॉस थीटा माइनस, पॉजिटिव तो माइनस हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा, बस इतना इसका आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी इफ, फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस टू टाइम बी प्लस टू टाइम ए आयोटा इक्वल टू फोर प्लस सिक्स आयोटा, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या होता है, जिसमें आयोटा नहीं रहता, और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा रहता, तो ए प्लस टू बी के साथ आयोटा नहीं है और यहाँ पे फोर के साथ आयोटा नहीं, तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ए प्लस टू बी इक्वल टू फोर एंड यहाँ पे आयोटा टू ए के साथ है या सिक्स ए के साथ है, टू ए आयोटा इक्वल टू सिक्स आयोटा। अब जो है तो हमको सॉल्व करना है, ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन, तो आयोटा आयोटा दोनों का कैंसिल हो जाएगा, टू ए इक्वल टू सिक्स आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा आयोटा गेट कैंसिल, तो क्या बचा, टू ए इक्वल टू सिक्स, तो ए इक्वल टू सिक्स अपॉन टू, तो यहाँ पे होगा ए इक्वल टू टू थ्री जा सिक्स, तो ए का वैल्यू आ गया थ्री। अब ए का वैल्यू जो है तो हम ये इक्वेशन में रखेंगे और इससे बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम बोलेंगे पुट ए इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन, सो थ्री प्लस टू बी इक्वल टू फोर, टू बी इक्वल टू फोर, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, टू बी इक्वल टू फोर माइनस थ्री वन, सो बी इक्वल टू, ये टू बी टू जो है तो मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर डिवाइड में, तो बी इक्वल टू वन अपॉन टू। तो इस तरीके से हमने जो है तो दोनों वैल्यू निकाल लिए, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में ए इक्वल टू थ्री एंड बी इक्वल टू वन अपॉन टू, ये हमारा आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी ऑफ आयोटा इक्वल टू ए प्लस वाई आयोटा। हमको जो है पहले रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करना और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है। अब ये a माइनस बी के साथ आयोटा नहीं और यहाँ पे आयोटा कहाँ नहीं, a के साथ नहीं, तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू a एंड a प्लस बी ऑफ आयोटा इक्वल टू फाइव आयोटा। देखो यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा, इसलिए हमने इसको इसके साथ
कंपेयर करें, ठीक है। अब जो है तो यहाँ पे आयोटा आयोटा जो है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ a प्लस बी इक्वल टू फाइव लिखेंगे, और यहाँ पे देखो a माइनस, ये प्लस a है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ही जाके प्लस हो जाएगा, a माइनस है ज़ीरो। सो b का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज b इक्वल टू ज़ीरो। अभी b का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ज़ीरो इक्वल टू फाइव, इट मीन्स a इक्वल टू फाइव, a का वैल्यू फाइव है और b का वैल्यू ज़ीरो है, तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन a इक्वल टू फाइव एंड b इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड क्वेश्चन है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट टू प्लस आयोटा इक्वल टू बी प्लस वन इन अनदर ब्रैकेट टेन प्लस टू ए आयोटा। यहाँ पे जो है तो पहले हमको ये ए से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, देन बी से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ए टू प्लस आयोटा बी टू प्लस आयोटा इक्वल टू बी प्लस वन टेन प्लस टू ए ऑफ आयोटा। तो ए इंटू टू टू ए इंटू आयोटा आयोटा, बी इंटू टू टू बी आयोटा इंटू बी आयोटा बी, बी प्लस वन टेन प्लस टू ए ऑफ आयोटा। अब यहाँ पे हमको टू ए प्लस टू बी को कहाँ साथ में लेना है, आयोटा आयोटा वालों को एक जगह ले लेना है, आयोटा बी इक्वल टू बी प्लस वन टेन प्लस टू ए ऑफ आयोटा, टू ए टू बी आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे, आई आई इंटू बी आयोटा बी प्लस प्लस आयोटा इंटू ए आयोटा, देन b प्लस वन टेन प्लस टू ए ऑफ आयोटा। अब यहाँ पे जो है तो आयोटा यहाँ पे है और आयोटा यहाँ पे है, तो आयोटा वाला पार्ट यानी इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ कंपेयर करेंगे और रियल पार्ट रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ लिखेंगे टू ए प्लस टू बी इक्वल टू बी प्लस वन एंड ए प्लस बी आयोटा इक्वल टू टेन प्लस टू ए ऑफ आयोटा। अब यहाँ पे जो है तो टू ए प्लस टू बी इक्वल टू बी प्लस वन एंड आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू टेन टू ए टेन ए टू बी, ये बी इधर आए बाद माइनस हो जाएगा इक्वल टू वन एंड ए प्लस बी, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले टू ए टू बी में से एक भी गया ओनली बी इक्वल टू वन, ये होगा इक्वेशन वन, और ये टू ए को हम इधर ला लेंगे, इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा टू ए इक्वल टू टेन, तो बी प्लस ए माइनस टू ए इक्वल टू टेन, ए का साइन प्लस है इसलिए प्लस, यहाँ कुछ नहीं रहा मतलब प्लस रहता, तो बी को हमने आगे कर दिया ए को इधर ले लिया, तो बी प्लस अभी a माइनस टू ए, तो टू ए में से ए चले जाएगा तो माइनस आएगा क्योंकि आंसर को बड़े वैल्यू का साइन लगता है, और यहाँ पे जो है तो टू ए बड़ा है, a टू टाइम a है और ये सिंगल है, तो यहाँ माइनस ए आई इक्वल टू टेन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, मतलब b माइनस ए इक्वल टू टेन, तो इसको लिखेंगे माइनस ए प्लस बी इक्वल टू टेन, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम जो तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन, तो हमारा जो है तो टू ए प्लस बी इक्वल टू वन इक्वेशन वन है, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू टेन इक्वेशन सेकंड है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस, तो टू ए प्लस ए थ्री ए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, टेन माइनस वन माइनस नाइन, क्योंकि दस बड़ा है आंसर को बड़े वैल्यू को साइन लगती है, ए इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन थ्री, थ्री 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 वन जो थ्री 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 जन नाइन, तो ये माइनस थ्री आंसर आ जाएगा। अभी ए का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करें तो हमको बी का वैल्यू मिलेगा, तो हम बोलेंगे पुट ए इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू टेन, तो ये माइनस और ये ए माइनस है, तो ये माइनस थ्री प्लस बी इक्वल टू टेन, माइनस माइनस प्लस प्लस बी थ्री प्लस बी इक्वल टू टेन, देन बी इक्वल टू टेन, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू टेन माइनस थ्री सेवन, तो यहाँ पे हमारा बी का वैल्यू क्या आ गया सेवन। तो हमने जो है तो इस तरीके से इसको सॉल्व करा,
ए का वैल्यू माइनस थ्री, बी का वैल्यू सेवन। फोर्थ क्वेश्चन है ए बी आयोटा इक्वल टू थ्री ए माइनस बी प्लस टू आयोटा, ट्वेल्व आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा यहाँ पे और आयोटा यहाँ पे, तो इमेजनरी नंबर है और ये जो तो रियल पार्ट है तो इसके साथ रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट जब कुछ नहीं रहा तो हम जीरो लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो तो ए बी है तो इसके साथ कुछ नहीं, तो जीरो लेंगे, जीरो इक्वल टू थ्री ए माइनस बी एंड ए बी आयोटा इक्वल टू ट्वेल्व आयोटा। तो हम क्या करेंगे, थ्री ए जो है तो उधर चले जाएंगे जीरो के, तो थ्री ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस थ्री ए इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो थ्री ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी अपॉन थ्री, ठीक है। ए का वैल्यू ये आ गया। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, ए बी इक्वल टू ट्वेल्व, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू जब ट्वेल्व आएगा तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते बी ट्वेल्व अपॉन ए। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो ए का वैल्यू क्या है, बी अपॉन थ्री है, ठीक है। तो हम इसमें अगर इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू अब हम बी इक्वल टू ट्वेल्व, ए का वैल्यू क्या है, बी अपॉन थ्री है, तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ट्वेल्व इंटू थ्री अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। ये थ्री जाएगा ऊपर, बी जाएगा नीचे, तो बी इक्वल टू ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स अपॉन बी। जब ये बी इधर जाएगा तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स। तो जब बी का रूट लेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो बी थर्टी सिक्स का रूट आएगा, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, सिक्स आ गया। अब ये वैल्यू हमको ए में रखना है, तो पुट बी इक्वल टू सिक्स इन ए, सो ए इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो ए का वैल्यू आ गया टू और बी का वैल्यू आ गया थ्री, बी का वैल्यू सिक्स। तो ए इक्वल टू हम लिखेंगे प्लस माइनस टू और बी का वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस सिक्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों का आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, वन अपॉन ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू थ्री माइनस टू आयोटा। तो हम क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड में कुछ नहीं मतलब वन रहता, तो ये इधर का जो है तो न्यूमरेटर इक्वल के इधर आएगा, डिनोमेटर में चल लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वन अपॉन थ्री माइनस टू आयोटा इक्वल टू, ये डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दैट इज ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू वन अपॉन थ्री माइनस टू आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट, किसका कॉन्जुगेट, थ्री माइनस टू आयोटा का। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री माइनस टू आयोटा इंटू, कॉन्जुगेट में माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, इसको माइनस को हमने प्लस कर दिए। अब क्या होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री ये पूरा ब्रैकेट इससे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा अपॉन में। अब ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो इसको जो है तो फार्मूले में सेट करना है। तो ये फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रीज़न लिख देता हूँ मैं, ये इसका आंसर हमने ये लिए, क्या लिए हमने, लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। हमारे लिए ए कौन है, थ्री है, और बी कौन है, टू आयोटा है। तो ये ए माइनस बी ये वाला पार्ट, ए प्लस बी ये वाला पार्ट, और ये हमने इसको, इसका जो आंसर है ये किसका आंसर है, ये क्वेश्चन का, तो इसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए, थ्री प्लस टू आयोटा अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू का स्क्वायर फोर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा की वैल्यू जो है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन, तो हम यहाँ पे माइनस वन ले लेंगे, थ्री प्लस टू आयोटा अपॉन नाइन माइनस फोर माइनस वन। ये कहाँ से आया, तो ये रीज़न देंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस, सॉरी ओनली माइनस वन, ओनली माइनस वन, देन थ्री प्लस टू आयोटा नाइन, फोर वन ज़ा फोर, ये फोर माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस
प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री प्लस टू आयोटा, नाइन और फोर थर्टीन, तो ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू थ्री और टू आयोटा, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन थर्टीन प्लस टू आयोटा अपॉन थर्टीन। ये क्यों आया, देखो ए प्लस बी अपॉन सी अपॉन सी, जब बेस सेम रहता तो हम बेस एक बार लिखते, तो यहाँ पे बेस सेम एक ही बार था मतलब सेम था, तो जब हम इसको ऐसा लिख सकते तो अलग अलग भी कर सकते, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया ऐसा लिखे। तो अब जो है तो आयोटा वाला पार्ट आयोटा से कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू थ्री अपॉन थर्टीन एंड बी इक्वल टू टू अपॉन थर्टीन, ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो हम इसको ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है, एक बार मैं पहले से बता देता हूँ, सिक्स क्वेश्चन है, ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू, सो ए प्लस आयोटा बी इंटू वन प्लस आयोटा इक्वल टू टू प्लस आयोटा, पहले हमको ये ए से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, देन इससे पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ए वन प्लस आयोटा आयोटा बी वन प्लस आयोटा इक्वल टू टू प्लस आयोटा, ए इंटू वन ए इंटू आयोटा ए आयोटा, आयोटा बी इंटू वन आयोटा बी, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर टू प्लस आयोटा। अब जो है तो हम जो कॉमन पार्ट है आयोटा वाला उसको जो है तो अलग कर देंगे, ठीक है, उससे पहले जो है तो ए प्लस ए आयोटा बी आयोटा, अब आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा की वैल्यू जो है तो आयोटा स्क्वायर यानी माइनस वन, तो यहाँ होगा ए प्लस ए आयोटा और ये बी आयोटा माइनस वन हो जाएगा और इक्वल टू टू प्लस आयोटा, ए इंटू वन ए इंटू आयोटा आई बी इंटू वन आई बी इंटू आयोटा स्क्वायर, अच्छा आयोटा स्क्वायर यहाँ पे बी आने को ना बी, क्योंकि ये बी रह गया था और ये आयोटा की माइनस स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, ये इसका स्क्वायर है और ये b एज इट इज रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा माइनस b। अब जो है तो a माइनस b प्लस ए आयोटा प्लस बी आयोटा इक्वल टू टू प्लस आयोटा, ये हमने सिर्फ प्लेस चेंज करे तो ये माइनस को इधर ला दिया। अब जो है तो a आयोटा b आयोटा वाला जो है तो हम कॉमन ले लेंगे a प्लस b और आयोटा को कॉमन लेंगे टू प्लस आयोटा, आयोटा इंटू b बी आयोटा प्लस प्लस आयोटा इंटू a आयोटा। अब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट इमेजनरी साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू टू एंड a प्लस बी आयोटा इक्वल टू आयोटा, तो a माइनस बी इक्वल टू टू ये होगा इक्वेशन वन, और जो है तो आयोटा आयोटा जो तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा वन आएगा इधर, तो a प्लस बी आयोटा इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो है तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी इक्वल टू टू इक्वेशन वन, a प्लस बी इक्वल टू वन इक्वेशन टू, हम जो है तो इसको ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे ऐड ऐड इक्वेशन वन और टू प्लस 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 a टू a प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस और ये थ्री हो जाएगा, तो a इक्वल टू थ्री अपॉन टू आ जाएगा, a का वैल्यू थ्री अपॉन टू आया। अगर b निकालना है तो इसको हम कोई भी इक्वेशन में रख देंगे, तो हम बोलेंगे पुट ए इक्वल टू थ्री अपॉन टू इन इक्वेशन वन, सो ए माइनस बी इक्वल टू टू, तो थ्री माइनस टू माइनस बी इक्वल टू टू, तो माइनस बी इक्वल टू टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा थ्री माइनस टू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड में कुछ नहीं मतलब वन रहता, टू टू ज़ा फोर थ्री वन ज़ा थ्री टू वन ज़ा टू, माइनस बी इक्वल टू फोर माइनस थ्री वन अपॉन टू, तो b इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखे अच्छे से समझो, देख लो एक बार।